इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है। हर मोर्चे पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी इस बार कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 1300 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। बावजूद इसके पुलिस महकमा कोई तरीका नहीं निकाल पाया है जिससे पुलिसकर्मियों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। सुबह से शाम तक और फिर रात से सुबह तक जानलेवा संक्रमण के बीच मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते इन पुलिसकर्मियों का जज्बा ही है जो इस महामारी में भी व्यवस्थाएं बिगड़ी नहीं है, लेकिन इनकी सेहत जरूर बिगड़ी है। एमपी में अप्रैल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं और 1300 से ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की एक वजह उनके पास कोरोना से निपटने के संसाधनों का अभाव भी है। ये पुलिसकर्मी सील किए गए इलाकों, क्वारंटीन सेंटर और हॉस्पिटल में बिना पीपीई किट के ही तैनात रहते हैं और इसकी शिकायत भी नहीं करते। हालांकि जान जोखिम में डालकर काम करने वाले इन पुलिसकर्मियों की चिंता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जता चुके हैं। इस कोरोना की चेन का तोड़ना बहुत आवश्यक है और इसमें अकेले उनका, पुलिस का ही नहीं, आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। पुलिस का जवान तो आप देख रहे हैं धूप में 40 टेम्परेचर पे भी सन्नाटे के बाद भी सड़क पे खड़ा हुआ है। एक साल हो गई और आप सबसे आग्रह भी है अगर कोई गलती होती है तो उसको तो दिखाते हो, पर वास्तव में जो जवान हमारा जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो पता नहीं क्यों खड़ा होगा, अब समझ में आ गया हमारी जान के लिए खड़ा हुआ है, एक सैनिक की तरह खड़ा हुआ है, बॉर्डर जैसा खड़ा हुआ है। इन सब विषयों पर बात केवल राजधानी भोपाल की ही करें तो पुलिस कर्मियों के संक्रमण का यह आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। एक महीने के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ज्यादा चिंतित है। हालात ये है कि इस हफ्ते भोपाल में शुरू किए गए पुलिस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सपोर्ट के 16 में से 12 बेड भर चुके हैं। मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। यदि मैं राजधानी भोपाल की सिर्फ बात करूं तो 350 से ज़्यादा जो हैं पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में हूं और यहां पर टेस्टिंग के लिए अलग से व्यवस्था करी गई है। पुलिस विभाग के लोगों के लिए यहां पर आकर जो है पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो हैं टेस्टिंग करा सकते हैं। 2 बजे से ये समय शुरू होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोग पुलिसकर्मी आते हैं उनका टेस्ट किया जाता है, उनके परिजनों का टेस्ट किया जाता है और संक्रमित मरीज जो हो जाते हैं, संक्रमित पॉजिटिव आते हैं तो इस तरीके की एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में बैठा के उनको अस्पताल भेजा जाता है। ये जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये जो एम्बुलेंस आई है ये उनको अस्पताल ले जाएगी और वहाँ पर जितने भी चेकअप होते हैं वो चेकअप किए जाएंगे, चाहे वो सीटी स्कैन हो या ब्लड टेस्ट हो या अन्य जो भी कोरोना में इलाज की व्यवस्थाएं होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, वो पूरे इलाज उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से आप लोग टेस्टिंग कराते हैं उसके बाद अस्पताल में उन लोगों के इलाज के लिए मुहैया कराते और भेजाते हैं? हम लोग यहाँ से जाँच करवाते हैं और जो पॉजिटिव आ जाते हैं उन्हें फ़ोन करके भी बता देते हैं और उनके पास मैसेज भी आ जाता है। फिर सीटी स्कैन के लिए अपने यहाँ से वाहन जाता है, ये अर्थराइज है शासन से, तो ये एम्बुलेंस में लेकर के जाते हैं, सीटी स्कैन और ट्रीटमेंट वहीं होता है, पुलिस हेल्थ कार्ड से इनके पैसे कटते हैं उसमें। अगर बड़े पैमाने पर जवान बीमार पड़ने लगेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को संभालना भी एक चुनौती बन जाएगी। हालांकि मौके की नज़ाकत को समझते हुए अधिकारियों ने गाइडलाइन जरूर बनाई है और इस पर अमल भी कराया जा रहा है। पिछले अगर 2 माह में देखें तो टोटल 215 के करीब अभी तक टोटल कर्मचारी संक्रमण हुआ है। 215 में भी वो लोग कर्मचारी जो होम आइसोलेशन में चले गए थे, जिनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, वो भी शामिल हैं। और इनके द्वारा बहुत सब प्रिकॉशंस लेकर के जैसे ही वो निगेटिव हुए इमीडिएट समय समय पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और सतत रूप से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जाहिर है कोरोना से इस जंग में फ्रंटलाइन वर्कर में सबसे आगे पुलिसकर्मी ही हैं और सबसे ज्यादा चुनौती का सामना भी वो ही कर रहे हैं। ऐसे में उनका ख्याल रखना सभी की जिम्मेदारी बनती है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।